हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार की टेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो आज मैं बात करूँगा एंड्रॉयड क्यू के बारे में। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ अर्से पहले ही गूगल ने एंड्रॉयड पाई को लॉन्च किया है, और अब तक सिर्फ 2% ऐसे फ़ोन हैं जिनमें एंड्रॉयड पाई की अपडेट आ गई है। बाकी फ़ोन वेट कर रहे हैं कि कब एंड्रॉयड पाई की अपडेट आएगी। और एंड्रॉयड क्यू जो है वो डेवलपमेंट भी आ गया है, मतलब वो बनना स्टार्ट हो गया है, और ऑलमोस्ट जो है टॉप 3 फीचर्स फाइनल हैं और तकरीबन बन चुके हैं। अब मैं बात करूं सबसे पहले फीचर की जिसका हम वेट कर रहे हैं बहुत अरसे से, वो है एंड्रॉयड की डार्क थीम। आप सब जानते हैं जितने भी एंड्रॉयड वन के फोन होते हैं उनमें आपको एक ही थीम मिलती है, मतलब थीम चेंज करने का कोई सीन ही नहीं होता। आपको एक ही थीम मिलेगी, आपको उसी को गुजारा करना पड़ता है, वो वाइट सी थीम। और कभी कभी लोग एंड्रॉयड वन के फोन लेते ही नहीं है कि उसमें थीम ही चेंज नहीं होती। थीम चेंज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको गूगल जो है वो खुद एक डार्क थीम का ऑप्शन देगा। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, कुछ ऐसे स्विच ऑन करेंगे आप डार्क थीम को, उसके बाद जैसी डार्क थीम होगी यहाँ पर वो भी पिक्चर है कि डार्क थीम जो है कैसी होने वाली है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको डार्क थीम के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन वो डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ज्यादातर लोग रात में चाहते हैं कि रात में वाइट वाइट की रोशनी जो है आंखों पे नहीं पड़े, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो सब ब्लैक हो जाएंगी, वो वाइट नहीं रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसका इसका हम वेट कर रहे थे काफ़ी अरसे से। मैं तो काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था। अब मैं बात करूँगा दूसरे फीचर की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है सिक्योरिटी फीचर। आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगती है, जैसे कि लोकेशन की परमिशन, कैमरा की परमिशन। तो अगर आप एक बार परमिशन दे देते हो तो उनको ऑलवेज अलाउ हो जाती है परमिशन, मतलब उनके लिए जब तक आप खुद मैनुअली जाके डिनाई नहीं करोगे परमिशन, वो डिनाई नहीं होती। वो हमेशा वो परमिशन यूज करते रहते हैं, आपकी कैमरा हो या लोकेशन हो या स्टोरेज हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एंड्रॉयड क्यू में आपको मैनुअली आप जो है किसी भी ऐप को सिर्फ जब ऑन करोगे उस टाइम के लिए परमिशन दोगे। जैसे ही मैं इस फोन को ऑन करूं तो ये इस परमिशन को ऑन करे, मतलब उस परमिशन को यूज करे। जैसे कि आपने किसी को लोकेशन की परमिशन दी है, और जैसे ही आप वो एप्लीकेशन ऑन करोगे उसी टाइम वो लोकेशन को एक्सेस कर सकती होगी एप्लीकेशन, अदरवाइज वो एप्लीकेशन जो है लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकती होगी, जो कि बहुत ही सिक्योर फीचर है। और हम ऐसे ही कुछ फीचर चाह रहे थे, लेकिन एंड्रॉयड पाई में ऐसा कोई फीचर नहीं आया, एंड्रॉयड क्यू में ये फीचर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूँगा तीसरे फीचर की, तो वो है डेस्कटॉप वर्जन, जो कि आपको सैमसंग की डिवाइस में दिखता है। सैमसंग जो है सैमसंग ने लॉन्च किया था S9 में, Note 9 में। तो अब जो है वो एंड्रॉयड क्यू में भी डेस्कटॉप वर्जन आने वाला है। डेस्कटॉप वर्जन ये है कि आप अपना मोबाइल जो है डेस्कटॉप से कनेक्ट करके डेस्कटॉप पे अपना मोबाइल यूज कर सकते हो, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये एंड्रॉयड क्यू में आ जाएगा। तो ये थे टॉप 3 फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड क्यू। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको। नीचे कमेंट करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।